नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सेम सेक्स मैरिज मिस समलैंगिक विवाह के बारे में। काफी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 18 अप्रैल से इसकी सुनवाई संवैधानिक पीठ कर रही है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रत्येक एग्जाम में, चाहे लोग बात करें स्टेट पीसीएस की, बात करें जेपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो या यूपीएससी में, तो इससे सवाल भी आए थे क्योंकि समाज से रिलेटेड है और सोशल से आपका जो है यहाँ पे सवाल आते हैं। चाहे लोग बात करें स्टेट लेवल की कोई भी एग्जाम, जेएसएससी की भी या एसएससी की भी, तो इसकी पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं एनालाइज फॉर यू ऐप में, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। तो एक एक चीज पर हम लोग बात करेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। देखिए दरअसल मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट में कई सारे पिटीशन डाले गए हैं और ये पिटीशन जो मेन पिटीशनर है उनका नाम है सुप्रियो एन अभय दाग, ये मेन पिटीशनर है। हालांकि बहुत सारे इसमें पिटीशन आपको देखने को मिलेंगे। और ये पिटीशनर क्या है भाई, इनकी डिमांड क्या है? दरअसल जो है, आपको जैसा कि पता है कि हम जब समाज में रहते हैं तो एक तो मेल होता है पुरुष, एक होता है फीमेल स्त्री, और तीसरा होता है ट्रांसजेंडर, जिसे हम होमोसेक्सुअल भी कहते हैं या इसे हम एलजीबीटीक्यू भी कहते हैं, जिसे हम गे भी कहते हैं। अलग अलग नामों से या अलग अलग टाइप्स इनके होते हैं, तो इन नामों से हम इन्हें जानते हैं। तो इनकी बहुत सारी डिमांड्स हैं और उन डिमांड्स के कारण यहाँ पे इन्होंने एक पिटीशन डाला है। इनके डिमांड्स हम लोग बात कर लेते हैं आखिर क्या इनकी। तो पहला जो डिमांड है इनका ये है कि समलैंगिक विवाह का अधिकार इन्हें मिलना चाहिए। मतलब समलैंगिक का मतलब होमोसेक्सुअल, मतलब ये जो ट्रांसजेंडर हैं, यदि आपस में ही यदि मेल मेल करना चाहते हैं, मतलब दो जो है करना चाहते हैं, तो वो विवाह कर सके, शादी कर सके, इनका अधिकार ये मिलना चाहिए। फिलहाल ये अधिकार नहीं है, ठीक है। दूसरा, बच्चे को गोद लेने का अधिकार इन्हें मिलना चाहिए। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें एक कानून बना हुआ है कि यदि कोई ट्रांसजेंडर है, ठीक है, यदि कोई मेल है, कोई अकेला मेल भी है, तो गोद नहीं ले सकते किसी बच्ची को। आप मान लीजिए कोई ऐसा भी ट्रांसजेंडर नहीं भी हो, एक मेल हो वो, और वो यदि एक बच्ची को यदि वो गोद लेना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। एक फीमेल होना जरूरी है, यदि वाइफ हस्बैंड है तभी जो है एक फीमेल को वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये रूल है, ये रूल किस में है उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग याचिका समझ लेते हैं क्या क्या है। तो दो डिमांड हमने समझा, और तीसरा जो डिमांड है वो ये है कि मुख्य याचिकाओं सुप्रियो और अभय डांगा ने अदालत को ये भी याद दिलाया, उन्होंने याद भी दिलाया यहाँ पे कि भाई जो एलजीबीटीक्यू है इनकी पॉपुलेशन कितनी है, तो पॉपुलेशन जो है वो 7-8% है देश में। तो इन्होंने ये बात भी करी और उन्होंने बताया कि इन्हें ये अधिकार जरूर मिलना चाहिए ताकि ये समाज में सम्मान के साथ रह सकें। और आर्टिकल 21 की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जिसे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी कहते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 21 में जो है ये साफ कहा गया है कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार सबको है। यदि आर्टिकल 14 की बात करें जिसे समानता का अधिकार कहते हैं, तो समानता का अधिकार का भी ये उल्लंघन है, ऐसा इन्होंने कहा है कि पुरुष स्त्री हो, मेल फीमेल को जब शादी करने का अधिकार है तो हमें भी ये मिलना चाहिए। तो ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, ये भी इन्होंने बात करी। तो ये हमने यहां तक समझा चीजें। अब देखिए सवाल क्या है कि सवाल ये उठता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है शादी करने में। देखिए दिक्कत ये है कि हम यदि बात करें तो 2015 का किशोर अधिनियम, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015, यह क्या बोलता है, जैसा कि हमने बोला कि यदि एक मेल कोई है तो वो गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते, गोद नहीं ले सकते, ठीक है। तो वही बात है कि मान लीजिए कि ट्रांसजेंडर दो मेल दो आपस में विवाह कर लिए, एक ही होमोसेक्सुअल, एक ही सेक्स के दो यदि मेल मेल हैं वो शादी कर रहे हैं तो अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, ये भी इनका डिमांड है कि अडॉप्शन भी उन्हें अधिकार मिलना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे, क्योंकि 2015 का जब कानून ये बना हुआ है कि गोद नहीं ले सकते, तो ये कानून भी उन्हें रोक रहा है। तो ये हमने यहाँ तक बातें समझ ली। अब हम आगे बात करते हैं कि आगे क्या चीज है। देखिए विवाह दो प्रकार से हमारे भारतवर्ष में होती है। एक विवाह तो होती है स्पेशल मैरिज एक्ट आपका 1954 के तहत, ठीक है, 1954 के तहत, जिसमें कोई भी दो धर्म के व्यक्ति, मान लीजिए एक हिंदू है या कोई दूसरा धर्म है या कोई भी दो धर्म अलग अलग धर्म के व्यक्ति यदि शादी करना चाहते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत वो कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि धार्मिक तरीके से, मीन्स दो वही सेम धर्म हो, जैसे हिंदू हिंदू के साथ, मुस्लिम मुस्लिम के साथ, इस तरह से यदि सेम धर्म में विवाह होता है तो उसे हम कहते हैं धार्मिक आधारित विवाह। तो ये हमारे देश में बना हुआ है कानून जिसके तहत विवाह होता है। अब सवाल ये उठता है कि कहीं भी इसमें यदि हम लोग बात करें कि ये जो कानून बने हुए हैं इसमें कहीं भी ट्रांसजेंडर का उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जब जजमेंट दिया जा रहा था, अभी हालांकि फाइनल जजमेंट नहीं आ रही है, इसे हम हियरिंग कहेंगे, जो हियरिंग हुई उसमें जो है यहाँ पे कहा गया सीजीआई के द्वारा, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, हमारे भारतवर्ष के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा,
कि उन्हें जो है हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि आखिर उनके साथ कैसे न्याय हो, उन्होंने ये बात करी है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनका पक्ष भी सुना जाना चाहिए। केंद्र सरकार का क्या पक्ष है यहाँ पे देखिए, कौन कौन सी पार्टी है ये हमें समझना चाहिए। सबसे पहले तो केंद्र सरकार है एक तरफ, ठीक है, केंद्र सरकार है। दूसरी तरफ यहाँ पे याचिकाकर्ता जो पिटिशनर है, जो ट्रांसजेंडर है, वो डिमांड कर रहे कि हमारी मांग पूरी करो। ठीक है, तीसरा पक्ष यहाँ पे कौन है, तो तीसरा पक्ष यहाँ पे बहुत सारे एनजीओज हैं जो ये बोल रहे हैं कि नहीं, इन्हें ये जो है अधिकार मिलना चाहिए। और चौथा पक्ष यहाँ पे बहुत सारे जो यहाँ पे स्टेट है, जैसे मध्य प्रदेश जो है यहाँ पे एक पिटिशनर के रूप में मध्य प्रदेश भी यहाँ पे जो है आया हुआ है, तो बहुत सारे स्टेट भी हैं। तो स्टेट की हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए मैरिज की हम लोग बात करें तो मैरिज जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसा भी हमें पता है कि तीन प्रकार की सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, तो कंकरेंट लिस्ट में ये मैरिज आता है। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी बेसिस पे केंद्र सरकार ने क्या कहा है, केंद्र सरकार ने ये बातें कही हैं कि चूंकि जो विवाह है, मैरिज है, वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, इसलिए प्रत्येक स्टेट से जरूर पूछना चाहिए कि आखिर यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, क्या ये जो ट्रांसजेंडर को विवाह करने का अधिकार है क्या उन्हें देना चाहिए या नहीं। क्योंकि मध्य प्रदेश ने यहाँ पे कहा है कि यदि ऐसा अधिकार दिया जाता है तो उनकी यहाँ पे स्टेट में, उनके स्टेट में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, ऐसा मध्य प्रदेश ने कहा है। तो इसी प्रकार से केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रत्येक स्टेट से इसे पूछना चाहिए, न कि कोई संवैधानिक, देखिए संवैधानिक बेंच में यहाँ पे 5 जज हैं। ठीक है, तो इन्होंने, केंद्र सरकार ने, उनके तरफ से अटॉर्नी जनरल हमारे, उन्होंने ये कहा है कि भाई कोई 5 जज मिलके इसमें निर्णय ना दे, बल्कि इसमें पार्लियामेंट का ये अधिकार क्षेत्र में आता है और पार्लियामेंट इस पे जो है कानून बनाएगी, उसके आधार पे वो काम करेगी। ठीक है, ये एक सामाजिक जो है दायरा है और इसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। इसके जवाब में देखिए क्या कहा है, और कुछ बातें केंद्र सरकार का है उस पर भी हमें बात करना चाहिए। देखिए, एक तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसा कि हमने बोला समवर्ती सूची, तो यहाँ पे मैंने इसे लिख भी दिया है। ठीक है, और तीसरी बात जो केंद्र सरकार ने कही है, वो कही है कि समलैंगिक विवाह जो है अभिजातीय वर्ग की सोच है। अभिजातीय वर्ग जिसे एलिट जो है वर्ग कहते हैं, एलिट क्लास जिसे कहते हैं, ठीक है, मतलब कि बहुत जो है ऊंचे वर्ग जो होते हैं। ठीक है, मतलब कि एलिट का मतलब आप समझ रहे हैं, हमारे भारतवर्ष में तो गरीब लोग रहते हैं, तो जो एलिट वर्ग होते हैं, ठीक है, जैसे फ्रांस की फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने एलिट क्लास के बारे में काफ़ी पढ़ा था, तो ये हमने समझ लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने जो लाइन लिखी है, उन्होंने बोला कि आई एम सॉरी मिस्टर सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल यहाँ पे थे, ठीक है, और उनको कहा कि भाई आप जो है डोंट टेल अस हाउ टू कंडक्ट आवर प्रोसीडिंग। ठीक है, हम कैसे काम करेंगे, आप जो बोल रहे हैं कि हमारे अधिकार के क्षेत्र नहीं आता है, पार्लियामेंट को अधिकार है कानून बनाने का, तो आप इस पे मत बोलिए। ठीक है, बिल्कुल आई एम सॉरी, और यहाँ पे ये बातें उन्होंने कही है कि हमारी कार्रवाई हमें कैसे चलानी है वो हमको मत टिप्स दीजिए, वो हमें अच्छी तरह से आता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो आगे क्या है, देखिए हमारा संविधान क्या कहता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि हमारा देश संविधान पे चलता है, तो हमारी कानून व्यवस्था अभी संविधान में क्या चीज़ें लिखी गई हैं ये हमें पता होनी चाहिए। यदि हम लोग बात करें तो एक व्यक्ति द्वारा अपनी पसंद के किसी व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर आता है। ठीक है, आर्टिकल 21 जिसे हम कह रहे हैं राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसी में ये बातें लिखी गई हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद से जो है शादी करने का अधिकार है। ठीक है, तो उसी आधार पे यहाँ पे ट्रांसजेंडर भी बोल रहे हैं कि हमें क्यों शादी करने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, हालांकि मैं बता दूं, नवजोत जौहर बना भारत सरकार में, जो कि 7 सितंबर 2018 को एक जजमेंट आया था, और इसमें समलैंगिक को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। मतलब समलैंगिकता जो है, होमोसेक्सुअलिटी जो है, वो कोई भी अपराध नहीं है। ठीक है, अपराध नहीं है का मतलब यह है कि ये अब साथ में रह सकते हैं, लेकिन शादी करने का कोई भी नियम कानून नहीं बनाया गया है। जैसे जिन्होंने पिटीशन डाला है वो साथ में रहते हैं, बट कोई भी यहाँ पे पिटीशन जो, कोई भी जो है यहाँ पे विवाह का जो है अधिकार नहीं मिला है उन्हें। इससे दिक्कत ये होती है कि पहले तो हमने बोला कि ये गोद लेने का जो है, बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हालांकि उसमें तो बहुत कानून मैंने आपको दिखाया, उसमें बहुत पेच है अभी। ठीक है, साथ ही साथ यदि पेंशन की बात करें, मान लीजिए दो जो है, दो यहाँ पे शादी कर रहे दो जन, ठीक है, अब कोई किन्हीं का डेथ हो जाता है तो पेंशन मिलेगा, तो वो पेंशन का भी अधिकार उन्हें नहीं मिलता है। इनकम टैक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कई सारे जो अधिकार हैं वो अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। ठीक है, और ये शादी का यदि अधिकार उन्हें मिल जाता है, विवाह का अधिकार मिल जाता है, तो ये अधिकार से उन्हें लाभ मिल जाएगा।
ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो उच्चतम न्यायालय के, देखिए यहाँ पे के एस पुट्टास्वामी बनाम भारतीय संघ 2017 का केस है, बहुत ही लाजवाब केस। और इसमें इन्होंने कहा था कि पारिवारिक जीवन के चुनाव का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। मतलब परिवार में हम जो पारिवारिक जीवन होता है उसमें हम जो चुन रहे हैं जीवन साथी, यदि चुन रहे हैं तो वो एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे हमें समझना चाहिए कि ट्रांसजेंडर जो है उनको ये अधिकार है कि उनका जो तर्क है कि उन्हें जरूर एक पारिवारिक जीवन जीने का अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो ये भी आप जो है एग्जाम में लिख सकते हैं। यदि हम लोग बात करें कि धार्मिक गुरु का, चूंकि हमने बोला कि हमारे देश में विवाह करने के दो तरीके हैं, एक तो हमने बोला स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, ठीक है, और दूसरा हमने बोला धार्मिक विवाह। तो धार्मिक विवाह की हम लोग बात करें तो धार्मिक विवाह में क्या होता है, जैसे हिंदू की बात करें, मुस्लिम की बात करें, क्रिश्चियन की बात करें, तो सबके अपने अपने नियम होते हैं। जैसे हम लोग बात करें यदि मुस्लिम के, तो मुस्लिम में शरीयत लॉ होता है, ठीक है, तो शरीयत लॉ के हिसाब से वो लोग जो है करते हैं काम। उसके बाद यदि हिंदू की बात करें तो हिंदू में बहुत सारे यहाँ पे हमारे वेदाज हैं, मनुस्मृति है, तो उसी के आधार में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके आधार पर हमारे यहाँ विवाह होता है। तो यहाँ पे हमारे पंडित जी लोग क्या कह रहे हैं पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनका यहाँ पे क्या कहना है, तो दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण, इन्होंने कहा है कि समान लिंग वाले जोड़े जो हैं वो विषम लैंगिक, मतलब विषम लैंगिक का मतलब मेल फीमेल और समान का मतलब सिर्फ ट्रांसजेंडर, तो समान वाले जो है ज़्यादा अच्छे पिता बन सकते हैं, माता पिता बन सकते हैं, ऐसा जो है इस एनजीओ ने कहा है, ठीक है। अब हिंदू धर्म की हम लोग बात करें तो हिंदू संगठन वाले जो है इनका क्या कहना है, हिंदू संगठन वाले कहते हैं कि वेदों में हमारा लिखा हुआ है कि कन्यादान किया जाता है, तो आखिर कन्यादान किया जाएगा तो फिर कैसे किया जाएगा जब उसमें कन्या ही नहीं होगी, होमोसेक्सुअल यदि दोनों मेन है तो कैसे कन्यादान होगा, तो ये जो है नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखा गया, ऐसा जो है हिंदू संगठन के जो है वो कहना है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ लिखा गया कि इसमें मनुस्मृति के श्लोकों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। माँ बनना महिलाओं द्वारा बनाया गया था, पिता होने के लिए पुरुष, मतलब पिता जो है पुरुष हो सकते हैं, माँ महिला ही हो सकती है, ये भी हमारे मनुस्मृति में लिखा गया है, ये भी उन्होंने यहाँ पे उल्लेख किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा गया, देखिए अखिल भारतीय संत समिति, ये एक समिति है, इन्होंने कहा कि पति और पत्नी को एक साथ रहना प्रकृति का नियम है और हिंदू विवाहों में कन्यादान का बुनियादी महत्व है, जैसा कि हमने ये बातें करी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे आगे बात करते हैं कि मुस्लिम संगठनों ने क्या कहा है। यहाँ पे जमियत उलेमा ए हिंद ने कहा है कि समलैंगिक विवाह का उन्होंने विरोध किया और उन्होंने कहा कि हमारे इस्लाम में जो है इसकी मनाही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें कि तेलंगाना मरकजी सिया उलेमा काउंसिल, ये भी एक मुस्लिम है यहाँ पे संगठन, और इन्होंने कहा है कि समान लिंग वाले जोड़े द्वारा उठाए गए व्यक्तियों को अवसाद होता है, मतलब ज़्यादा एंजाइटी होता है, ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत प्रेशर में रहते हैं, ये बातें इन्होंने कही है। इसमें आपके क्या विचार है कमेंट में जरूर यहाँ पे प्रेषित करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।